एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं वापस आ गई हूँ कुछ क्ले की चीजों के साथ। तो आज हम वापस से कुछ क्ले की छोटी छोटी चीजें बनाना देखेंगे। तो मैंने इस बार सोचा है कि मैं थोड़े क्ले के शोपीस बनाऊँ। तो जो अपना एयर ड्राई क्ले होता है वो मैं यूज कर रही हूँ। उसके साथ मैंने एक पीस है जो मेरे पास फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले बचा था, एक तो वो पीस मैंने उससे बना दिया है। तो दोनों भी काफी अच्छे बने हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा अपनी सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए इनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं मैंने कौन सा क्ले यूज किया है। और इस तीन पीस में मैंने ज्यादा कुछ ज्यादा वर्क किया नहीं है जैसे आप देखेंगे। तो थोड़ा सा मैंने एक शेप देने का ट्राई किया है, उसको अच्छे से कलर किया है और बस हमारे शोपीस तैयार हो जाएंगे। तो हम इसको डेस्क ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आपके शोकेस में या टीवी के आजू बाजू में कहीं में भी रखना हो तो आप उनको रख सकते हैं और बहुत ही क्यूट दिखेंगे। मैं पहले ही बता रही हूँ, आप जरूर देखिए मैंने कैसे बनाया, एकदम फटाफट से बन जाएंगे। सूखने के लिए थोड़ा टाइम लेंगे। वैसे फेविक्रिल का जो मोल्डेड क्ले है वो 45 मिनट्स में सूख जाता है पूरा एकदम। तो वो अगर आप सब पीस के लिए यूज करेंगे तो फटाक से आपके सारे पीसेस तैयार हो जाएंगे। जो एयर ड्राई क्ले है तो उसको थोड़ा सूखने में टाइम जाता है, तो आपको एक दिन का वेट करना पड़ेगा पेंट करने के लिए। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। मेरे पास जो पड़ा था वो मैंने यूज किया है। तो चलो फिर देखते हैं मैंने कैसे बनाया। यहाँ पे सिल्वर फॉइल ली है, तो उसको मैं क्ले से कवर करूंगी। तो आप देख सकते हैं ऐसे मैंने स्नेक का एक बेस बना लिया है, जिसमें हम अभी यहाँ टूल से उसके आईज और उसका मुंह बनाएंगे। तो बस मैंने प्रेस करके उसमें दो छोटे छोटे गोले ऐड कर दिए ताकि वो आईज का एक इफेक्ट आ जाए। उसके बाद हम बस उसमें सामने की साइड से थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि हम उसका मुंह बना पाए। तो मैं ऐसे सब इसमें छोटे छोटे डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। तब यहाँ पे टूल से हम स्नेक की स्किन बनाएंगे। आपके पास टूल्स नहीं हो तो भी आप कोई चम्मच वम्मच यूज करके ऐसे इफेक्ट दे सकते हो। ये सूखने के बाद कड़क हो जाएगा, इसको हम पेंट करेंगे। यहाँ पे मैंने ये कलर लिया है, ऐसे मैं उसको पूरा एक बेस लेयर दे दूंगी और उसके ऊपर मैं गोल्डन कलर से थोड़ा सा रब करूंगी ताकि उसकी जो स्किन है वो ज़्यादा चमक के आए। उसके नीचे बेस के लिए मैंने ब्लैक कलर चूज किया है, तो हम आंखें और जो पीछे के साइड से स्नेक है उसको हम ब्लैक कलर से पेंट करेंगे। यहाँ पे मैं मुंह को ग्रे कलर दे रही हूँ। तो बस हो गया ये हमारा पीस, इसमें और कुछ है नहीं करने को। तो हमारा ये पहला पीस बन के तैयार है, देख सकते हैं। तो ये काफी ऐसे क्यूट बना है, तो आप इसको ऐसे कहीं पे भी रख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे उसको किसी कील पे अगर आप टांग देंगे ना तो भी बहुत ज्यादा क्यूट लगेगा, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला पीस बन के तैयार है और मैं काफी खुश हूँ इसको देख के। तो इसमें ज्यादा मेहनत लगी नहीं है और एक छोटा सा क्यूट सा पीस बन के तैयार है, तो और क्या ही चाहिए हमें बताइए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बनाने का हम और ट्राई करेंगे। मैं और दो पीस बना रही हूँ, तो ये इसमें से पहला पीस है। दूसरे पीस में मैंने सिल्वर फॉइल का गोला लेके उसको क्ले स्टिक किया है। फिर मैंने एक मोल्ड से ये ऐसा फ्लावर बनाना ट्राई किया। अरे बापरे, पर ये हुआ नहीं फर्स्ट टाइम में, तो ये बहुत ज्यादा प्रेस करना पड़ा क्योंकि मेरी जो क्ले की क्वांटिटी थी वो ज्यादा थी। तो थोड़े टाइम बाद वो बन चुका है, तो ऐसे मैंने उसको साफ कर लिया और ये आप एक फ्लावर देख सकते हैं, तो काफी अच्छा बना है। आपके पास कोई भी मोल्ड हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मुझे फ्लावर चाहिए था तो मैंने वैसे बनाया। अब ये गोले के ऊपर हम थोड़ा फेस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे आईज बना लिए है उसके, उनको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ साथ में। उसके ऊपर मैं ये फ्लावर ऐसे स्टिक कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा फेविकॉल यूज किया है उसको स्टिक करने के लिए। तो ये दूसरा पीस है हमारा, इसमें हम कलर करने के लिए मैंने येलो कलर चूज किया है। तो आप स्किन कलर भी यूज कर सकते हो फेस को पेंट करने के लिए। येलो काफी ब्राइट कलर है तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हम पूरा फ्लावर अच्छे से पेंट करेंगे। तो नॉर्मली हम दो शेड में फ्लावर पेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है।
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दो शेड में फ्लावर पेंट करने का ट्राई करें। तो अभी मैंने आईज भी बना ली है, अब मुझे सिर्फ लिप्स बनाने हैं उसके, तो मैं डायरेक्टली ब्रश से उसके रेड लिप्स बना दूंगी और छोटी सी नोज, और फिर हमारा ये पीस एकदम तैयार हो जाएगा। काफी फटाफट से बन जाता है। दूसरा पीस बन के भी तैयार है, देख सकते हैं कितना क्यूट सा ये छोटा सा एकदम फेस बनाया है हमने। पूरा एकदम आप देखिए, पूरा अपने हिसाब से कलर करेंगे ना तो वैसे वो बनेगा। देखिए मैंने फ्लावर भी पूरा पेंट किया है अच्छे से, तो काफी ऐसे अलग अलग टाइप का आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लावर लिया है, आप हैट बना सकते हो उसकी, फिर कुछ भी आप बना सकते हो, बाल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम आसानी से बन जाएंगे। तो ऐसे छोटा सा पीस है, कहीं भी हम रख सकते हैं ऐसे टेबल पे, काफी अच्छा लुक आएगा उसको। तो ये हमारा दूसरा पीस है। तो फाइनली थर्ड पीस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे चम्मच लिया है घर का, तो ऐसा मेरे पास चम्मच पड़ा था तो मैंने ले लिया। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको समझ ही आया होगा मैं शेल बनाना चाहती हूँ, उसके अंदर एक पर्ल बनाऊंगी। तो मैं थोड़ा डिटेलिंग कर रही हूँ टूल से और इन दोनों पार्ट को प्ले से स्टिक कर दूंगी एक साथ। तो आपके पास ऐसा चम्मच नहीं हो तो और अलग अलग चीज आप बना सकते हो, मेरे पास ऐसा चम्मच था तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा उसको यूज़ करके। तो मैंने सिंपली अंदर एक गोला स्टिक करा है फेविकॉल की मदद से, और ये देखो पेंट करने के बाद कितना प्यारा लग रहा है ये पीस। अब आता है तीसरा पीस, तो ये रहा वो, ये एक मैंने वो पर्ल का लुक देने का इसको ट्राई किया है, देख सकते हैं। तो ऐसा चम्मच था मेरे पास, इसलिए आसानी हुई है, मैं पहले भी बता दूं, क्योंकि ये ऐसे क्ले को ऐसे मोल्ड करके ऐसे रखना, और ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट हो सकता है। हम मतलब अभी पहले पहले लर्निंग में ऐसे अचानक से करना नहीं आता है, मेरे पास चम्मच पड़ी थी तो उसको वो अच्छा सा ऐसे टेक्सचर आ गया है पूरा। पर आप देखिए, अगर आपके पास ऐसा नहीं भी हो तो कोई और चीजें भी आप बना सकते हैं। मैंने बस ये बताया, आपकी घर की जो चीजें पड़ी होती है उनमें देखिए आप कौन से आपको शेप्स मिल रहे हैं, उस हिसाब से आप चीजें बना सकते हैं। ऐसा कोई अब हमें ये नहीं है कि हमको ये चीज चाहिए, किसी भी चीज को यूज करके हम उसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये भी हम ऐसे कहीं पे टेबल पे रख सकते हैं, जहां पे हम ज्वेलरीज रखते हैं वहां पे भी हम रख सकते हैं, तो ड्रेसिंग टेबल पे भी काफी अच्छा लगेगा। तो इस टाइप के हमारे ये तीन पीसेस बन के तैयार है, दिखाती हूँ आपको तीनों। तो देखिए अब ये तीनों है, मेरे हाथ में भी नहीं आ रहे तीनों, तो ये तीन हमारे बन के तैयार है, तो मैं इनको घर में कहीं तो सजा दूंगी। तो इस टाइप के आप बहुत सारे पीसेस बना सकते हैं क्ले से। और अब मैंने देखा है कि क्ले के इयररिंग्स और ये भी बनाते हैं, पर वो तो पॉलीमर क्ले के बनाते हैं, तो मेरे पास उसको फिर बेक करने के लिए कुछ है नहीं, तो उसी टाइप का ट्राई नहीं करूंगी मैं। अभी देखूंगी, अगर मैं एयर ड्राई क्ले से ही अगर इयररिंग्स बनाना चाहूँ तो मैं बना सकती, बट फिर वो ऐसा है कि उनको हम वॉश नहीं कर सकते, मतलब बारिश वारिश में नहीं पहन सकते, ऐसे टाइप का हो जाएगा वो। तो देखते हैं अभी मैं आगे क्या बनाऊंगी। अभी मैं शायद आगे का वीडियो, मुझे लग रहा है पेंटिंग या ऐसा कुछ एक्रेलिक कलर का बनाना चाहूंगी। अभी क्ले, मैंने क्ले ऑर्डर किया है एक्चुअली, पर वो आया नहीं है अभी तक, तो देखते हैं। अगर क्ले आया तो मैं क्ले की चीज बनाऊंगी, अगर नहीं आया तो हम कुछ पेंटिंग का ट्राई करेंगे। आप ये वाली चीजें बना के देखिए, आपके घर में छोटे छोटे शोपीस बनाइए, बच्चों को एक्टिविटीज जरूर करवा सकते हैं, उनको छोटी छोटी चीजें बना के बहुत अच्छा लगेगा, और उनकी वो बनाई चीज आपको घर में रखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए तब तक, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ये वाले तीनों पीस आपको कैसे लगे। तो चलिए फिर अगले वीडियो तक।